नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी जिला प्रशासन और नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मंडी में कल निरीक्षण के दौरान की गई अपील के बाद आज सुबह नगर निगम द्वारा मुनादी कराई गई कि जिन लोगों के पास पॉलिथीन है वो स्वेच्छा से हमें दें, जिसके क्रम में 4 क्विंटल पॉलिथीन मंडी में से जब्त की गई। वहीं मंडी सचिव द्वारा आज सुबह से ही टीम के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया गया। आज सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत और जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन द्वारा संयुक्त रूप से मुखानी में स्थित केवीएम पब्लिक स्कूल में छात्र और छात्राओं को बढ़ते हुए नशे से दूर रहने और महिला अपराधों के लिए जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें बैड और गुड टच के बारे में भी बताया गया। साथ ही प्रेरणा स्रोत के लिए शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। जुआ के अवैध कारोबार की रोकथाम के खिलाफ अभियान के तहत आज नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के आदेश अनुसार मंडी चौकी प्रभारी गुलाब सिंह कंबोज के द्वारा पुलिस टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जुआ खेलते हुए ताश के 52 पत्ते के साथ और आरोपियों के पास से 6,470 रुपए भी बरामद किए हैं। साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे स्टाफ नर्सेज का कहना था कि इस समय प्रदेश में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हल्द्वानी में कुछ बाहरी लोग फर्जी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन कर रहे हैं, इससे यहाँ के युवाओं का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने सीएम से मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच करने की मांग की है। हल्द्वानी के मंडी चौकी क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा बचते बचाते पुलिस चौकी पहुंच गई और उसने पुलिस को बताया कि स्वजन जबरन उसकी शादी कराना चाहते हैं। उसने चौकी इंचार्ज को बताया कि उसकी उम्र 16 साल है और वो कक्षा 9 में पढ़ती है। 6 महीने से उसके घर वाले शादी का दबाव बना रहे हैं, जिसका छात्रा लगातार विरोध कर रही है। वहीं विरोध किए जाने के बाद भी स्वजन जिद पर अड़े हैं। पिता का कहना था कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं पुलिस ने इसके लिए उसके स्वजनों को सख्त हिदायत दी है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।